दोस्तों, अगर आप गूगल पे में अपना बैलेंस चेक करने के लिए जा रहे हो या तो फिर आप किसी को पैसा भेजने के लिए जा रहे हो बट आपके गूगल पे में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि लाइव स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है, योर बैंक नेटवर्क इज डाउन करके। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप इस प्रॉब्लम को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हो और आप गूगल पे में अपना बैलेंस चेक करने के लिए जा रहे हो या तो फिर आप किसी को पैसा भेजने के लिए जा रहे हो, सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है, योर बैंक नेटवर्क इज डाउन करके। और नीचे में लिखा हुआ दोस्तों, कैन नॉट चेक बैलेंस राइट नाउ, ट्राई अगेन लेटर, यू कैन, इस तरीके का आप जो है यहाँ पे आप सभी के सामने प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, आप इस प्रॉब्लम को 100% कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही देखिए इस वेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा योर बैंक इज नेटवर्क डाउन, सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो है चले जाते हैं बैंक और लाइव प्रूफ में पहले करके दिखा देता हूँ, तभी आप सभी को पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग गूगल पे को ओपन करते हैं, गूगल पे को ओपन करने के बाद यहाँ पे चले जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं नीचे में आप सभी को दिखेगा दोस्तों चेक बैलेंस, चेक बैलेंस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा जो भी यूपीआई पिन है अपना यूपीआई पिन इस तरीके से डाल देते हैं। यूपीआई पिन डालने के बाद राइट वाले टिक, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेम प्रॉब्लम आ जाता है, योर बैंक नेटवर्क इज डाउन करके। तो दोस्तों देखिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उनके लिए आप सभी को कुछ भी नहीं, आप सभी को बैक चले आना है। एंड बैक आने के बाद अभी आप सभी को क्या करना है, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड से क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग फिर से गूगल पे को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपना जो है गूगल पे का जो प्रोफाइल है यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना होगा। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रोल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा बैंक अकाउंट है ना, तो आप सभी को अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, जिस बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी को अपने उस बैंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सभी को ऊपर की ओर स्क्रोल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, थ्री डॉट दिख रहा होगा साइड कोने में, इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका गूगल पे से जो है यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट रिमूव हो जाता है, अनलिंक हो जाता है। उनके बाद आप सभी को यहाँ से क्लियर कर देना है एंड यहाँ पे आपको अपने गूगल पे के ऊपर अपनी उंगली को प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए आई बटन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा फोर स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहला काम आपको फोर स्टॉप पे क्लिक कीजिए एंड फोर स्टॉप कर दीजिए, ऊपर स्क्रोल डाउन कीजिए एंड यहाँ पे स्टोरेज एंड यूजर्स पे क्लिक कीजिए और यहां आपको क्लियर कैश पे क्लिक कीजिए और क्लियर डेटा पे क्लिक करके इसे आपको डिलीट कर देना है। इतना काम कर लेने के बाद आप सभी को फिर से बैकग्राउंड से आ जाना एंड क्लियर, और यहां पे आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। यहां पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहां पे आपको सर्च करना होगा दोस्तों जी पे, यानी कि दोस्तों आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से गूगल पे जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारा गूगल पे ऐप आ जाता है। दोस्तों अगर आपके गूगल पे में अपडेट आ रहा होगा तो आपको अपने गूगल पे ऐप को अपडेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अपडेट कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे अपडेट कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ से आप सभी को बैक चले आना है एंड बैक आने के बाद अब आप सभी को अपने फोन में गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल पे को ओपन कीजिएगा परमिशन अलाउ कर देना एंड यहाँ पे आप सभी को वही मोबाइल नंबर डाल देना है जिस नंबर से आपका गूगल पे अकाउंट बना हुआ है। नीचे में आप सभी को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस ईमेल से आपका गूगल पे अकाउंट बना हुआ है। तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है तो नीचे में आपको कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, और जैसे आप इनके ऊपर क्लिक कीजिएगा आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो आपको वेट करने के बाद आपका जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा दोस्तों एड बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक कीजिए और यहाँ अगर नहीं एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ पे एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो इनके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी बैंक है अपने बैंक का नाम सर्च कर लीजिए दोस्तों, हो सके आपके पास SBI बैंक हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो 100% सॉल्व हो जाएगा। आपको अपने बैंक पे क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, परमिशन अलाउ कर दीजिए और यहाँ पे आएगा दोस्तों सिम नंबर वन, सिम नंबर टू, आपका सिम नंबर वन है ये, सिम नंबर टू सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, परमिशन अलाउ कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपके नंबर पे थोड़ा बहुत मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आपके पास जो है आपका बैंक अकाउंट गूगल पे में ऐड हो जाता है एंड सक्सेसफुल, देख सकते हैं हो चुका है कंप्लीट। नीचे में कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं,
और हमारा जो है यहाँ पे हमारा गूगल पे कंप्लीट ओपन हो चुका है। फिर से चले जाते हैं अपने चेक बैलेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना बैलेंस जो है लाइव प्रूफ चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों जैसे अपने UPI पिन डाले राइट वाले टिक के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है हमारा बैलेंस जो है ये सक्सेसफुली दिखा गया है। दोस्तों देखिए अगर आपको ये सारा काम करने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको दोस्तों कुछ हॉर्स यानी दोस्तों कुछ घंटे तक आपको वेट करना होगा। इससे क्या होता है कि आपका बैंक का जो भी सर्वर डाउन होता है आपका बैंक का जो टेक्निकल इशू होता है उनके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको दोस्तों ये सारा काम करने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोगों को दोस्तों कुछ घंटे तक वेट करना है। ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली भी सॉल्व हो जाता है क्योंकि आपके बैंक में कोई ऐसा टेक्निकल इशू की वजह से भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।